इस दिन से आज आपका चयन हुआ है, हम सब जानते हैं। आप लगातार आठवीं बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। आपके पास सार्वजनिक जीवन का एक लंबा अनुभव है। कानपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में मां गंगा के तट पर बसे हुए इस औद्योगिक नगर में जमीन से जुड़े हुए एक आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए, बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में, मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्यकर्ता के रूप में, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों के पदाधिकारी और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए आपने एक लंबे समय तक जहां उस फील्ड में काम किया, वहीं आठ बार से कानपुर महानगर से विधायक के रूप में आपका चयन आज इस सदन में होता रहा है। आपने विभिन्न सरकारों में भी अलग अलग मंत्री पद का दायित्वों का निर्वहन किया और कुशलतापूर्वक अपने नेतृत्व क्षमता का, अपनी प्रशासनिक क्षमता का, अपनी आम जनमानस के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रदर्शित भी किया है। वह आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर, आपके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से बार बार एक सदस्य का एक क्षेत्र से चुनाव जाना, यह और वह भी तब जब दुर्भाग्य से जातिवाद की राजनीति की उस आंधी में एक व्यक्ति जिसकी अपनी कोई जाति न हो, जिसकी अपनी जातीय पहचान न हो, जिसने अपने जन्म के साथ ही पैतृक रूप से महाना शब्द जोड़ करके अपने को कहा कि भैया हम तो सेवा करते करते महान हैं, इसलिए हम लोग केवल राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के इस अभियान के साथ जोड़ करके अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और लगातार जनता का एक विश्वास अर्जित करना। एक चुनाव हो सकता है, दो चुनाव हो सकते हैं, तीसरा भी चल सकता है, लेकिन बार बार चुना जाना, अच्छे वोटों से चुना जाना, हर बार मत का प्रतिशत बढ़ जाना एक बहुत सकारात्मक संदेश है। और पिछली सरकार में मुझे उस सरकार को भी नेतृत्व देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर 3,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना, लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने, उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने में जो योगदान दिया गया, कानपुर के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो सकारात्मक भूमिका आपकी थी, डिफेंस कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मांग के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो और इसके लिए 6 नोड पर कार्य तेजी से हो, उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे का एक संजाल बिछे और उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश के अंदर एक नई पहचान के साथ उभरे, ये भी उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में जब आपने इस पद को सुशोभित किया, ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश की जनमानस ने होते हुए देखे हैं। और स्वाभाविक रूप से आपने मेरी टीम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, आपका यहां पर सर्वसम्मति से चयन हुआ है, मैं इसके लिए आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं ही देता हूं। आपका चयन ऐसे समय में हुआ है जब यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह आजादी का अमृत काल है। अमृत काल के लिए प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्षों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं देश के अंदर, और देश के लिए जब कोई लक्ष्य निर्धारित हो तो देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर भारत को समयबद्ध ढंग से उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उसमें
अग्रणी भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश को आना ही होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका होनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी देश के अंदर, अन्य किसी भी राज्य को हम देखेंगे तो उसकी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी से कम ही है। और जब हम लोग देश की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। और अमृत काल में आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, यह अत्यंत सौभाग्य का क्षण है और इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। महोदय, मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हमारी ये 18वीं विधानसभा एक सुनिश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगी। हम निरंतर उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं अपने सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को भी हृदय से उनके चयन के लिए, उनके निर्वाचन के लिए और उनके द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने के लिए भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। 5 वर्ष का उनका जो कार्यकाल है, ये जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का एक उन्हें माध्यम मिला है। अगर शासन की योजनाओं को समयबद्ध ढंग से वे आम जनमानस तक पहुंचाने में सफल होंगे तो आपकी तरह वे भी बार 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 चुने जाएंगे और इन्हीं में से कोई सदस्य एक दिन उस पद को सुशोभित करके फिर से अध्यक्ष पद को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, ये जानने का, सीखने का। क्योंकि सदन की परंपराएं तो हम लोग परंपरागत रूप से आगे बढ़ाते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, जानते हैं, संसदीय कार्यों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव हमारे सामने आता है वही परंपराएं आगे बढ़ती हैं और सदन की परंपराएं इसी रूप में आगे बढ़ती रहेंगी। एक बार फिर से मैं आपको इस पद पर चयन के लिए हृदय से, अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से, पार्टी की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप उत्तर प्रदेश के सदन की मर्यादा को, इसकी परंपरा को एक नई गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा 17वीं विधानसभा की तर्ज पर, यद्यपि विगत दो वर्षों से हम लोग कोरोना जैसी महामारी से के प्रबंधन में ज्यादा समय हमें खर्च करना पड़ा, ज्यादा समय लगाना पड़ा, एक जगह एकजुट होकर के ज्यादा जमावड़ा नहीं होना है, यह जो भी प्रोटोकॉल थे उसका पालन करते हुए हम लोग अगले 2 वर्ष में कोई कार्य इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन समय समय पर राज्य के हित के लिए, 25 करोड़ जनता के हित के लिए और देश और दुनिया से जुड़ी हुई उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा का एक माध्यम हमारा ये सदन बनेगा, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपके प्रति हृदय से बधाई देता हूं। आपकी उज्ज्वल में भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में यह सदन अपनी उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आपके प्रति मेरी पूरे सदन की मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता समाजवादी पार्टी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव, आदरणीय अध्यक्ष,